जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो दर्शन कीजिए हमारे कन्हैया के। हमारे कन्हैया आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, उनके मुखमंडल में अलग ही चमक है। और ये चमक कैसे है, क्यों है, इसकी वीडियो में अलग से बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे सामने एक प्रभु की बहुत ही सुंदर लीला आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को सुनाऊं। अगर आपने सुनी हो तो बहुत अच्छी है, बात है नहीं सुनी हो तो सुन लीजिएगा। कहते हैं ना कि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना ही पड़ता है, और ईश्वर के जिसे दर्शन हो जाए उसे कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। यह एक ऐसी भक्त की कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और जाते जाते छोड़ गए शरीर पर शंख और चक्र के निशान। यह कथा है आमेर नरेश पृथ्वीराज जी स्वामी की। एक बार उनके गुरु पयोहारी जी द्वारका जी की यात्रा पर जाने लगे, तो पृथ्वीराज जी भी द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि द्वारका जाकर शरीर पर शंख और चक्र बनवाऊंगा। गुरु परिहार जी ने कहा कि अगर तुम राज छोड़कर चले जाओगे तो राज में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण भक्ति करो। गुरु की बात मानकर श्री पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका ध्यान द्वारकाधीश में ही लगा रहा। रात में जब ये सोए तो इन्हें लगा कि अचानक तेज प्रकाश फैल गया है और भगवान श्री द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए हैं। राजा श्री पृथ्वीराज जी ने द्वारकाधीश की परिक्रमा की और प्रणाम किया इनके सपने में, और भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती तट पर पहुंच गए हैं और गोमती में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह सुबह राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन के कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, जैसे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभरे हुए हैं। राजा की नींद खुली तो वह भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, और राजा उसके बाद पूर्ण तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो देखा आपने कैसे राजा को उनके गुरु ने रोका, राजा नहीं गए और घर में ही रहे, अपने महल में रहे, और प्रभु स्वयं आए महल में आके उनकी इच्छा पूरी की। इसी तरह आप और हम हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं घर बार छोड़ के चले जाऊं और वृंदावन में जाके बसूं, बिहारी जी के चरणों में जाके बस जाऊं। तो इस कहानी से आप यही सीखेंगे कि प्रभु नहीं चाहते हैं कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, क्योंकि एक गृहस्थ का जीवन एक जिम्मेदारी है। अगर प्रभु ने हमें गृहस्थी में बांधा है तो जिम्मेदारी भी हमको निभानी पड़ेगी। हमारा कोई भी ऐसा कर्तव्य हमें नहीं करना है कि हमारा ग्रह से छूटे और हम अपने कार्य से विमुख हो जाएं। तो हमें अपना कार्य भी करना है, अपना गृहस्थ भी निभाना है और अपनी भक्ति भी करनी है, और प्रभु ऐसे ही दौड़े चले जाएंगे अगर हमारी भक्ति सच्ची है। तो सच्चे मन से प्रभु को याद करिए, सच्चे मन से प्रभु की सेवा करिए। जैसे इस राजा की प्रभु ने इच्छा पूरी की, ऐसे सबकी इच्छा पूरी करेंगे, सबको प्रभु मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना घर बार सब छोड़ के चले जाएंगे तो प्रभु आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है, जहाँ पर हर चीज़ की प्रभु ने छूट दी है। अगर हमसे कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाती तो भी प्रभु माफ़ करते हैं। लेकिन आप सन्यासी जीवन देखेंगे, सन्यासी जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो गृहस्थ में रहिए, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। हमारी एक दीदी हैं, निज दीदी हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। वो बहुत परेशान रहती हैं कि मैं मतलब बंधन में बंधी हूँ और मैं भगवान की पूजा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ और वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, ऐसे उनके मन में चलता रहता है। तो दीदी आप इस कहानी से ज़रूर सीखिएगा, किसी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, आप प्रभु की सेवा करिए, मन से करिए, जैसे बन रही है वैसे करिए, और प्रभु आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में प्रभु सबको मिल जाए, कोई कोई इतना भाग्यशाली होता है, किसी किसी पर प्रभु की इतनी कृपा हो जाती है कि प्रभु एक ही जन्म मिल जाते हैं, किसी किसी को 84 लाख योनियों भी नहीं मिलते हैं। तो आपने कर्म करते रहिए, प्रभु को मिलना होगा आपको, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन दुखी मत होइए,
अपना जो गृहस्थ का कर्तव्य है वो भी करिए, प्रभु की सेवा भी करिए और खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे।